नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जेडी भार्गव है और मैं प्रेजेंट करता हूं अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं पेरेंट्स की जो बेचारे परेशान हैं और उनको ये लगता है कि जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीनेज में आने के बाद ये है कि उनके डिफरेंट रिएक्शन हो जाते हैं और बच्चे इस हिसाब से काम करते हैं कि पेरेंट को उनसे इरिटेशन होती है, पेरेंट परेशान होते हैं। तो मेरा आज का वीडियो दो तीन चीजों पर है। पहली कि ये बच्चों में ऐसे डिसऑर्डर या बच्चों में ऐसे इरिटेशन, गुस्सा, एंगर, ठीक है, पढ़ना नहीं, खेल में जाना, एडिक्शन में जाना, ये सारी चीजें हमारी कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो मैं आज जो आपको 10 पॉइंट देने वाला हूं, अगर आपने वो 10 पॉइंट फॉलो किए तो आई अश्योर यू आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और ये हर एक एज वाइज है। अगर बच्चा 12 साल तक का है तो आप इमीडिएटली उस पर करेक्शन करिए, और अगर बच्चा बड़ा हो गया है, 12 से बड़ा टीनेज में आ गया है, तो आपको क्या करना है कि आपको वो पॉइंट्स के लिए उसको धीरे धीरे चेंज करना है, क्योंकि तब तक वो ग्रास कर चुका है। तो अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें उन सब लोगों के साथ जो पेरेंट्स हैं जिनके अभी बच्चे 20-21 साल से कम हैं, डेफिनेटली उनके साथ शेयर करें। और अगर 21 साल से ज्यादा हैं तो भी शेयर करें, लेकिन तब उनके पास सलूशन नहीं होगा, तब आपको जरूर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिएगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10 पॉइंट्स जो वन बाय वन होंगे, आपको समझ आएंगे और आप उनको फॉलो कीजिए, यू विल रियली एंजॉय योर लाइफ विद द चिल्ड्रन। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इससे पहले बच्चे में प्रॉब्लम आती क्यों है। तो बच्चे में जो प्रॉब्लम आती है उसका एक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है। उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है कि बच्चे का एक कॉन्शियस माइंड होता है। आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं इस पे स्क्रीन पे साथ में समझा भी दूंगा आपको। कॉन्शियस माइंड होता है वो यूजली 4 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है। तभी जब बच्चा छोटा होता है, मान लो वो 2 साल का है, तो आप कोई भी चीज मांगते हो वो दे देता है। लेकिन वही बच्चा जब 5-6 साल का हो जाता है तो अगर आप कुछ भी मांगते हो नहीं देता, उसको पता लग जाता है ये मेरा है। कॉन्शियस उसको पहले बताने लगता है, धीरे धीरे उसको जेंडर बताने लगता है, मेल फीमेल का डिफरेंस बताने लगता है, वो एनवायरमेंट से, स्कूल से, टीचर से, आप लोगों से ये सारी चीजें सीखता है। और फिर वो कॉन्शियस माइंड धीरे 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 डेवलप होता है और लगभग एज पर द रिसर्च ये 21 से 25 साल तक पूरा डेवलप हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि बच्चे के अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं है तो सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस इज वेरी पावरफुल माइंड, और जितना आपका हार्ट बीट, आपकी ब्रेथ, आपके इमोशन सारे स्टोर भी करता है और चलाता भी है। हार्ट बीट चलेगी, सांस चलेगा, ये सारा सबकॉन्शियस से चलेगा। और आपका सबसे बड़ा मेमोरी डिवाइस है, लाइफ की सारी मेमोरीज ये सबकॉन्शियस माइंड ही रखता है अपने अंदर स्टोर करके। और एक पैरा सबकॉन्शियस होता है, उसका अगर आपको चेक करना है तो मेरा सोलमेट एंड पैरासाइकोलॉजी वाला वीडियो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, उसमें पूरा पैरा सबकॉन्शियस है। तो उसको आज हम नहीं टच करेंगे, हम बात करेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की। अब सबकॉन्शियस एक मेमोरी है, आपकी सारी लाइफ की स्टोरेज है, और वो जो लाइफ की स्टोरेज है वो वन बाय वन ऐड कर रहा है। अब बच्चा है उसके पास कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस फील्ड है, वो उसमें बताता है कौन सी चीज अंदर लेके जानी है कौन सी नहीं। इसलिए बच्चा 8 से 9 साल का जब हो जाता है तब पेरेंट्स को सारी चीजें नहीं बताता, उसको मालूम है कौन सी चीज नहीं बतानी पेरेंट्स को, अगर बताऊंगा हो सकता है डांट पड़ जाए, फियर हो जाए, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आपको नहीं बताएगा जब तक कि टीचर आपको बुला के डांटेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये है क्या, कॉन्शियस माइंड समझ लीजिए आपका बॉडीगार्ड है, वो बॉडीगार्ड जो सबकॉन्शियस के अंदर फिल्ट्रेशन करता है। अब बच्चा छोटा है, वो फिल्ट्रेशन हुई नहीं, आप जो भी बात कर रहे हैं वो ट्रांसफर हो गई। तो 10 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं प्लीज मत करिए, अगर ये बातें आप ट्रांसफर करेंगे तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर जब वो कॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, जबकि ये यूजली स्ट्रांग होता है टीनेज के आसपास, बहुत बड़ी एनर्जी होती है उस टाइम बच्चों में, और वो फिर उसको इंप्लीमेंट करने लगेगा, वो आपको सारी बातें आपकी वापिस से रिपीट करेगा जो जो उसको पेन हुए हैं, तब आपको क्या लगता है ये तो कुछ हो गया भाई, इसको भाग लो,
किसी एस्ट्रोलॉजर पे, किसी जोशी पे, किसी बाबा जी पे, लेकिन ये क्रिएशन आपका अपना किया हुआ है। और रही सही कसर हम पूरी कर देते हैं, मंदिर में जाके भगवान को जबरदस्त गालियां देते हैं, मेरे कर्म ही ऐसे है। अरे ये क्रिएशन है आपके कर्म, भगवान ने उसको पैदा कर दिया आपके, वो पुनर्जन्म है। इसके लिए अगर आप कभी कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। कॉन्शियस माइंड एक ऑरा भी क्रिएट करता है, विच इज कॉल्ड अ सेफ्टी डिवाइस। ऑरा पे भी अगर आप कहेंगे मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं जर्नी को ये समझने के लिए कि कॉन्शियस माइंड अगर नहीं है, मैंने बताया कि वो डेवलप नहीं होता, अगर कॉन्शियस माइंड नहीं है तो बच्चा आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ऑफेंसिव वर्ड्स। ऑफेंसिव वर्ड्स जो हम बोलते हैं बच्चे से वो बहुत डेंजरस है। अब क्या क्या ऑफेंसिव वर्ड्स बोलते हैं, मैं सारे एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा, बट मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए आप क्या क्या ऑफेंसिव वर्ड्स उनसे बोलते हो। ठीक है, तो ऑफेंसिव वर्ड्स क्या क्या है? जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है उसकी मदर ज्यादा वाइट हो और वो थोड़ा डार्किश हो गया हो, हम सबसे पहले बोले भाई ये तो काला पैदा हो गया। आपने बोल दिया बच्चा दो तीन साल का है, उसको आप लाड से कालू बोल रहे हो, पर वो कालू का आपने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। जब वो फ्रेंड्स में जाएगा और किसी फ्रेंड ने उसको कालू बोल दिया, खत्म, कॉन्फिडेंस ही खत्म। घर रोता हुआ आएगा, वो मेरे को कालू बोल रहा है। ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप उसके कॉन्फिडेंस को खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। अगर वो सांवला भी है तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान कृष्ण भी सांवले थे। वो थोड़ा मोटा हो गया, अरे ये तो मोटू है। बुद्धि और बल दोनों डिफरेंट हैं और बुद्धि सर्वोपरि मानी जाती है। इसी वजह से अष्टावक्र आठ जगह से मुड़े हुए थे, फिर भी राजा जनक की सभा में जाके उन्होंने सबको चैलेंज कर दिया और वहां से जीत गया। तो विद्वता किसी की गुलाम नहीं है, किसी की ऋणी नहीं है, वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कॉम्बिनेशन है, उसको आप खराब मत करिए। दूसरा, रही सही कसर कौन पूरा कर देता है? आप ही लोग कर देते हो। वो क्या, मान लो दादी से वाइफ की नहीं बनती और आज दादी ने वाइफ की क्लास ले ली। अब मम्मी बहुत गुस्से में बच्चे की और बच्चे ने गलती से कोई शरारत कर दी, ये तो दादी पे गया, घुंटी दादी की है, which is nonsense, and similarly vice versa with the नान के साइड, नानी की तरफ। What is this? आपने अपना गुस्सा उसके अंदर उड़ेल दिया बिना किसी बात के, उसको तो पता ही नहीं कि मेरी दादी में क्या प्रॉब्लम है। तो ऑफेंसिव वर्ड्स यूज मत करें, वरना जब वो ऑफेंसिव वर्ड यूज करेगा टीनेज के टाइम में तो आपकी नींद उड़ जाएगी। जो भी पेरेंट्स आते हैं, मैंने और वीडियो डाला हुआ है पेरेंटिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया है चार साल में वो कहां से सीखता है, आठ में सीखता है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, अगर कहेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं बोलने, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, वो क्या हो सकता है सेकंड पॉइंट, बिहेवियर प्रेशर। ये हमारा वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे ऊपर आ गया। हम बच्चों को कहते हैं इस चीज को नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना। अब बच्चा मान लो तीन चार साल का है, अभी थोड़ा चल रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को इन्वायरमेंट में अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया? कि ये घर मेरा है, मेरा अधिकार है। वो चीजें छेड़ता है तो अपने अधिकार से छेड़ता है। ठीक है, उसको ये लगने लगता है ये मेरी चीज है। अब एक आपका बॉस आ गया आपके घर पे, आपकी रेपुटेशन, या मैडम की कोई किट्टी पार्टी की सहेली आ गई, आपकी रेपुटेशन दाव पे, उनके सामने बहुत अच्छा बिहेवियर करना है, और आपने बच्चे को मेड को दे दिया या बच्चे को अलग से सुला दिया। अब वो उठा जोश में, उसने देखा अरे क्या बढ़िया पार्टी हो रही है, नई नई चीजें रखी हुई है, लोग नई नई चीजें खा रहे हैं, वो क्या, और उसने आंटी की प्लेट में से एक समोसा उठा लिया। मेरी तो ना कटवा दी, पेरेंट्स ये बोलेंगे। बाप होगा तो माँ को बोलेगा तुम नहीं सिखाती, तुम्हारी वजह से बच्चा बिगड़ गया, और माँ होगी तो ये तुम्हारे ही करतूत है, नहीं करना चाहिए। उसको बेचारे को बड़ी मुश्किल से तो ये विश्वास हुआ है कि घर मेरा है,
क्या हो गया 4 साल के बच्चे ने अगर आंटी की प्लेट से समोसा उठा लिया, आपकी इज्जत कम नहीं हुई, ये हमारा इम्पैक्ट है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये आपने शायद गाना सुना होगा। तो लोगों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये बच्चा आपके साथ रहने वाला है, लोगों के साथ नहीं रहने वाला। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आप लोगों की लाइफ है, लोगों की लाइफ नहीं है, तो इस पे मत चलिए। और आपने ऐसा कर दिया तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा, बच्चा डिटैच हो जाएगा आपसे। जब वो टीनेज में होगा तो आपसे ज्यादा वैल्यू वो फ्रेंड्स को देगा, और फिर आप चिल्ला रहे होंगे, अरे ये तो हमारी सुनता ही नहीं, ये तो सिर्फ फ्रेंड्स की सुनता है। क्यों सुने? आपको भी तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हैवी थी, जो आर्टिफिशियल थी, एक्चुअल में भी नहीं थी, इतनी हैवी थी कि आपने उसको डरा दिया। ये नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 2 है, जो बिहेवियर प्रेशर हम क्रिएट करते हैं हमें नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे, बिहेवियर प्रेशर नहीं करना, ये आपको क्लियर हो गया, 2 पॉइंट हो गए हैं, अब हम तीसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। और आप प्लीज इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप नई जनरेशन में एक डिफरेंट एंगल लेके आ रहे हैं, उनमें कलयुग का जो इम्पैक्ट है वो कम कर रहे हैं। बेसिकली सतयुग कलयुग भी कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिकली है, अगर आप कहेंगे तो उसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कलयुग बढ़ रहा है और कैसे सतयुग बढ़ सकता है। आइए हम अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। एहसान, बच्चा के ऊपर आपने एहसान कर दिया पैदा करके, ये फंडा है। ये कैसे होता है? आप बहुत बिजी हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड। अब उसके अंदर बच्चा आ गया और उसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, आप क्या कहोगे? जाइए, जा भी जा। अब आप उसको जाइए तो बोल रहे हैं, बट वो नहीं गया, तो एक लेवल के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर चिल्ला के कहेंगे इसको पैदा किस लिए किया था, पैदा ही नहीं करना था। वाइफ को बोलेंगे बेसिकली, लेके जाए इसको, और वाइफ कुछ कर रही है तो रिवर्स में बोलेगी मेड को या हस्बैंड को, जो बेचारा घर पे होगा वो शहीद हो गया। तो आपको अगर ऐसा बोलना है तो बच्चा अगर 3-4 साल का है, ठीक है, ये 3-4 साल में यूजली इंडियन कल्चर के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको प्योर साइकोलॉजिकली देखो तो नॉर्वे के अंदर आप पढ़िए, कंट्री है, वहां पे पैदा होते ही बच्चे को अलग कमरे में सुलाया जाता है, बिकॉज उनको पूरी नॉलेज है, बिकॉज दे रियली डन लॉट ऑफ रिसर्च कि जो जो सबकॉन्शियस में आपके है आप यों का ट्रांसफर कर रहे हो बच्चे। खैर वो नॉर्वे की बात है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो अगर ये 3-4 साल का भी बच्चा है और छोटा है तो भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन 3-4 साल का बच्चा है तो पूरा इम्पैक्ट होगा। और आपने क्या किया? उसको गिल्ट क्रिएट करा दी कि वो पैदा क्यों है। उसको तो मालूम ही नहीं कि आप कितना जरूरी काम कर रहे हैं, आपकी जॉब स्टेक पे है या कोई रिलेशनशिप स्टेक पे है या कुछ घर का कोई, बहुत बच्चा है उसको अभी टाइम लगेगा सीखने में, तो इसको हैंडल कैसे करें? अब ये क्वेश्चन आता है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको उसको कोई ना कोई काम दे देना चाहिए, खिलौना दे दो, कुछ और दे दो, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन गिव। और बच्चे का आपको आईक्यू टेस्ट भी कराता रहना चाहिए, टेस्ट भी एक बहुत जरूरी है, इंडिया में कोई नहीं कराता जब तक कि बच्चा उसको प्रेशराइज नहीं कर देता। हर एक लेवल के बाद टेस्ट होते हैं कि उसका सोशल माइंड कितना डेवलप कर रहा है, नॉर्मल माइंड कितना डेवलप कर रहा है, दीज ऑल द साइकोलॉजिकल टेस्ट जो नॉर्मल टेस्ट है। खैर वो आपको मेरे को बताना है, आपको फॉलो करना नहीं करना, बट ये पॉइंट जरूर फॉलो करिए, अगर आप टेस्ट कराते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चलता है। अब हम आगे आते हैं, ये जो 3 पॉइंट है ये बिल्कुल क्लियर हो गए। आपने कभी ये नहीं बोलना कि ये बच्चा पैदा क्यों किया। आप समझिए जिनके संतान नहीं है कितने बाबों के चक्कर मारते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, मेरे पास कितने केसेस आते हैं बेचारे परेशान, तो क्या क्या नहीं करते हैं। तो ऐसा मत बोलिए, भगवान ने एक अनमोल चीज दी है उसका रिगार्ड कीजिए। हमें जो चीज मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू करनी छोड़ देते हैं, ये हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है, इंडियन कल्चर का। खैर लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है, आपको बच्चे को एक बार आपने बोल दिया कि ये पैदा क्यों हुआ, वो डिटैच हो जाएगा, और जब वो टीन एज में होगा तब वो सबको कहेगा अनवांटेड चाइल्ड। टीचर बुला के आपको समझाएगी कि आए आपका बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, आप प्यार नहीं करते? नहीं नहीं जी, मैं तो बहुत प्यार करना हूं, ऐसे ही बोलते हैं ना पेरेंट, मैं तो दिलो जान तो प्यार करना है। क्या प्यार कर रहे हैं, जो करना चाहिए था तब तो भूल गए, वो नहीं समझेगा था। तब आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत सेशंस लगते हैं सबकॉन्शियस की मेमोरीज हटाने में,
और गलती से सजेस्टेबिलिटी में चली जाए। सजेस्टेबिलिटी क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, इसका भी वीडियो है, आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो सजेस्टेबिलिटी में चला जाए तो बहुत मुश्किल है, वहां से निकाल नहीं पाते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, तीन पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट पे हम चल रहे हैं कि बटन जेंडर कंपैरिजन। जेंडर कंपैरिजन का एक बहुत बड़ा इंडिया में इश्यू है। ऑल्दो गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड नाउ, वी कैन सी सो मच स्लोगन्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ये सच्चाई फील्ड पे उतर रही है? रही सी कसर ग्रैंड पेरेंट्स पूरी कर देते हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज है जो अच्छी खाने की है, पहले उसको देंगे, पोते को, फिर पोती को देंगे। वो बच्ची समझ रही है, और जब वो जेंडर डिफरेंस को समझेगी, वो दोनों भाई बहनों में तो बनेगी। फिर आप क्या कहते हो टीनेज में, इनमें तो कुत्ता बिल्ली का प्यार है, किसने क्रिएट किया? थोड़ा मंथन करने की जरूरत है कि वो क्यों क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया। और ये आप ना करें, बहुत बढ़िया लाइफ चलेगी दोनों की, और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना ये जेंडर की वजह से क्या है, कोई भी एक बच्चा डिटैच हो जाएगा। रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लड़कियां थोड़ी कोमल होती हैं, वो पेरेंट्स को जल्दी टच कर देती हैं, लड़के उदंड होते हैं, ठीक है, वो खेलते हैं बाहर, उनके और दोनों के खेलने की चीजें अलग अलग हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट क्लोज हो रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जेंडर।